स्वस्थ होने के बाद फिर सरगर्म हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। लंबी में लगाया संगत दर्शन दरबार, कैप्टन को दी चुनौती, कहा तीसरी बार हारने के लिए तैयार रहे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, बोले अगर पार्टी मौका दे तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। अकाली दल ने कहा भगवंत मान आ जाए मैदान में। पहले आप पहले आपके फेर में फंसा पंजाब में महागठबंधन का ख्याल, बीएसपी को है कांग्रेस की ओर से औपचारिक न्योते का इंतजार, कांग्रेस की दलील बीएसपी करे पहल तो होगा खुले दिल से स्वागत। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ का ऐलान, आंदोलन में मारे गए लोगों को 10 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी, सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में मुआवजा राशि के एजेंडे पर चर्चा न होने से नाराज हुए अनिल विज, की इस्तीफे की पेशकश, बाद में सीएम ने विज को मनाया। हरियाणा में जाट आंदोलन को उकसाने वाले वायरल हुए ऑडियो की जांच करवाएगी सरकार, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह से कांग्रेस ने किया किनारा, भेजा नोटिस। अभय चौटाला बोले ऑडियो ने सामने ला दिया है कांग्रेस का असली चेहरा। आंदोलन के चलते एयरलिफ्ट होकर मंडप पहुंची दुल्हन, करनाल में लगे जाम की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचना पड़ा दिल्ली, लेकिन नहीं पहुंच पाए रिश्तेदार, पानीपत से मायूस होकर वापस लौटे। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज दो बार हुई सर्वदलीय बैठक, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई पहली बैठक, कहा जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज दो बार हुई सर्वदलीय बैठक, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई पहली बैठक, कहा जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए हिमाचल और हरियाणा के तीन सपूत, नम आंखों और राजकीय सम्मान के साथ तीनों को दी गई अंतिम विदाई। पंपोर में आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा पर शक, एनकाउंटर में तीन आतंकवादियों का खात्मा, लेकिन आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी।